से या अन्य कोई वायरस से मरते हैं, ठीक है, और हम किसी को दोष भी ना दें, बस मृत्यु हो गई है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहे जिस किसी कारण से हो। और किसी के अगर प्रश्न है तो हम गुरु जी से पूछेंगे, आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स पे तो कि आपके प्रश्न क्या है। जो अभी जो प्रतीक जी का क्वेश्चन आया था गुरु जी, उसमें ये था कि जो लोग मर रहे क्या उनके कर्म के वजह से वो मर रहे हैं, ये भी उनका एक प्रश्न था उसी। हम एग्जैक्टली कह सकते कि ये जो कोरोना के कारण या किसी के कारण लोग मर रहे हैं, वैसे तो ये निश्चित रहता है कि मृत्यु भी हमारे कर्म संस्कारों के कारण ही होती है। वो तो एक निमित्त बन गया है, कोरोना या जो भी वायरस के कारण मरते हैं, लेकिन हमने इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। जो दवाएं होती है या शासन के जो नियम है, वो हमको सभी ने पालन करना चाहिए। जी गुरु जी, प्रणीता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, पूछिए प्रणाम गुरु जी, प्रणीता। प्रणाम गुरु जी, आवाज आ रही हाँ है? अरे नहीं, हाँ क्या प्रणीता जी बोलिए। गुरु जी, मुझे ये पूछना था कि अगर किसी के प्रति आसक्ति है और मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आसक्ति कमी नहीं हो रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? इतना सरल नहीं है उसको दूर करना, लेकिन अभ्यास से दूर हो जाते। हम जैसे ध्यान करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं, वो विचार क्यों आते हैं, वो आसक्ति के कारण आते हैं, हमारी इच्छा होती है, इसलिए मन बार बार भटकता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब ये जानते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा ये जो शरीर है, कितना नश्वर है, भंगुर है, तो मैं ही परमानेंट नहीं हूं, तो हम दूसरों के प्रति क्यों आसक्त हो। वो जब ऐसा अनुभव से जानता है, तब उसकी आसक्ति दूर होती है। इतना सरल काम नहीं है कि आसक्ति को दूर करना, अपने स्व को पूर्णतया जानना है, आसक्ति अपने आप दूर हो जाएगी। स्व जी को गुरु के जी, कारण या थोड़ा अभ्यास कम होने के कारण हमारी आसक्ति बनी रहती है, अभ्यास जी गुरु जी, जैसे से ही दूर होगा। ध्यान करते हैं तो बार बार मन भटकते रहता है, तो ध्यान ही नहीं लगता है, तो बार बार वही। बराबर है, हमारा अटैचमेंट रहता है, उसलिए चित्त वहां भाग जाता है कि मुझे ये करना है उसके प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति, वो तो जाएगा, स्वभाव है। उसी स्वभाव को तो बदलने के लिए ध्यान करना पड़ता है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जी एक प्रश्न आया है गुरु जी, उसमें पूछ रहे हैं कि स्पति का क्या अर्थ होता है, विशाल शाह पूछ रहे हैं। काहे का स्फटिक, SPATHIC, स्फटिक होगा, स्फटिक, स्फटिक। ठीक, हाँ, स्फटिक का अर्थ तो होता है, जैसे इसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, स्फटिक गुफा होती है कि बाहर से वो व्यक्ति वो दिख, यानी वो अंदर रहेगा लेकिन बाहर से जैसे वो कांच के भीतर रहता है, तो वो स्फटिक कहलाता है। और एक प्रश्न आया है, श्रोता पन्ना की बुक परचेज करते हो, क्या श्रोतापन्न उनका व्यक्ति की बुक परचेस करे, है तो क्या उनको दान चला जाता है, ऐसा उनका प्रश्न है कि अगर हम आप श्रोता किताब खरीदने से थोड़ी ना कोई होगा, वो तो आप अपने पढ़ने के लिए करते हैं। दान वैसा नहीं होता है कि हम जो है व्यक्ति जैसे भोजन दान करते हैं, दान देते हैं, वो दान कहलाता है। केवल किताब खरीदने से वो एक अच्छी बात है, आपको प्रेरणा मिलेगी, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जी हाँ, उनका कहना है शायद जो श्रोतापन्न व्यक्ति और उनकी बुक अगर हम परचेस करते हैं तो जो भी पैसे या फिर हम वहां पे दान करते हैं वो दान तो वो वहां पे नहीं, चला अब जाता। जब व्यक्ति हाँ श्रोतापन्न हो गया तो उनको तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। हमें केवल उनकी किताब खरीदते हैं और उससे केवल प्रेरणा मिलेगी कि भाई देखिए ये व्यक्ति श्रोतापन्न थे।
हम किताब पढ़े दूसरों को दे पढ़ने के लिए ताकि लोग प्रेरित हो जाए। संकेत जी आप प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरु जी। जैसे कि त्रिपिटक में बताया था कि एक बार भगवान बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ 29 देवलोक में जा रहे थे, तो नंदोपनंद और महामुग्धलायन के बीच सुमेरु पर्वत में कुछ युद्ध हुआ था, तो सुमेरु पर्वत एवरेस्ट से भी ऊपर है क्या और हमें दिखता क्यों नहीं, ये मेरा प्रश्न था। नहीं, सुमेरु पर्वत विजिबल नहीं है तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। और वो एवरेस्ट से भी ऊपर है क्या, मतलब सबसे ऊपर? नहीं, वो तो बहुत ऊंचा है, उसकी जो ऊंचाई बताई गई है 84,000 योजन ऊंचा बताया गया है। कितना? 84,000 योजन, इतना बताया गया है सुमेरु पर्वत के बारे में। गुरु जी एक योजन मतलब कितना? एक योजन यानी 8 किलोमीटर। अच्छा, और एक प्रश्न आया है गुरु जी, हम किसी भी योनि में जाने से संकेत क्या है? जाने में जन्म ले सकते हैं क्या? इसीलिए हमें सभी प्राणी के प्रति मैत्री करना चाहिए। ऐसा है कि हमने प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राणी हिंसा करते हैं तो 4 अपाय गति में चला जाता है। इसलिए सारे प्राणियों के प्रति दया और करुणा के साथ रहना चाहिए ताकि हमारी सदगति होती है। हमारा जन्म मनुष्य लोक, देवलोक या ब्रह्म लोक में हो सकता है। यदि ध्यानों को पारंगत हो जाते हैं तो हमारा जन्म ब्रह्म लोक में होता है, इसलिए ध्यान करना आवश्यक है। मैत्री भावना का अभ्यास भी करते हैं तो भी ब्रह्म लोक में जन्म होता है। तो क्योंकि जब तक श्रोतापन्न नहीं होते और अकुशल कर्म रहते तब तक जन्म तो लेना ही पड़ता है सभी को। तो हमें अच्छी गति मिले, सदगति मिले, इसलिए हम भगवान कहते हैं कि मैत्री भावना का अभ्यास करें ताकि हमारा जन्म अच्छा अच्छे योनि में हो। क्योंकि दुर्गति में चले गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां से निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए शील का महत्व है, चोरी नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ नहीं बोलना, कटु और कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना और नशा पत्ता नहीं करना। ये यदि करते हैं तो नीचे की योनि ही मिलती है, इसलिए शील का महत्व है। और इसके विपरीत हम दान करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं तो मनुष्य लोक, देव लोक, ब्रह्म लोक मिल जाता है। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं गुरु जी की जो नशा पता करते हैं लेकिन वो दान भी बहुत करते हैं, श्रद्धालु भी रहते हैं, तो उनका लाभ उनको मिलता है? दान करेगा तो उसका लाभ उसको मिलेगा और नशा पता करेगा तो उसके भी फल उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिक्स है। दान भी करेगा तो दान का फल मिलेगा, नशा पता करेगा तो नशा पता करने का भी फल मिलेगा, दोनों का फल मिलेगा। प्रणाम गुरु जी। अभी अभी जैसे आपने बताया कि सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है तो मैंने देखा तो वो 7,00,000 किलोमीटर ऊंचा है, तो उतना तो पृथ्वी और चंद्र का 2 बार अंतर हो गया। अभी तो हमारा ये मैथमेटिक्स है, ये जो हमारा साइंस है उसकी पहुंच नहीं है, यानी जो भगवान ने बताया है वो बियॉन्ड है, हम सोच ही नहीं सकते। जैसे आज अगर महासमुद्र लेते हैं, महासमुद्र की गहराई कितनी है ये साइंस को भी नहीं मालूम है, जबकि भगवान ने बताया कि महासमुद्र इतना गहरा है करके। क्योंकि हमारी जो पनडुब्बी जाती है 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर के नीचे नहीं जा पाती, तो साइंस कहाँ है। तो हम अभी सूर्य और पृथ्वी की कल्पना करें या चंद्रमा की, तो वो कोई काम नहीं कर सकते। और निंदा चुगली करना, तो उसके क्या विपाक होते हैं इस जन्म में और अगले आने वाले सारे जन्म में?
अभी आज तो हमने लखन सूत्र लिया था, उसमें सब बताया था कि कोई व्यक्ति चुगली करता है, निंदा करता है, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये भगवान ने बताया। झूठ बोलता है तो जो झूठ बोलता है उसके अच्छे मित्र नहीं होते, वो अच्छे मित्र मिल ही नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति सोचेगा अरे ये तो झूठ बोलता है, उसकी वाणी पर कोई विश्वास नहीं करता। झूठ व्यक्ति बोलता है एक दो दिन अच्छा लगता है, फिर उसकी बात मानने वाले नहीं मिलते। यदि हम चुगलखोरी करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो भगवान ने बताया कि ये दांत नहीं मिलते अच्छे। जैसे भगवान ये चुगलखोरी के दुर्गुण से वीरत हुए थे तब ये 40 दांत मिलते हैं, और ये बकवास की फजूल निरर्थक और बकवास की वाणी का प्रयोग करते भगवान ने बताया ये सुंदर ठोड़ी नहीं मिलती। जो सुंदर ठोड़ी मिलती है तो फजूल निरर्थक और बकवास इस वाणी के दुर्गुण से वीरत रहना पड़ता है। कठोर और कर्कश वाणी बोलते हैं तो ये आवाज में मिठास नहीं आती, तो ये सारे वाणी के परिणाम भगवान ने बताया। जी धन्यवाद गुरु जी। यहाँ पे प्रतीक जी पूछ रहे हैं जो ब्लैक होल है गैलेक्सी में, तो वहां पे भी कोई लोक है, वो कोई लोक है नहीं, उसके ब्लैक होल के बारे में ऐसा अलग से वर्णन नहीं आया है और इसलिए अपन उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा एक लोकांतरिक लोक होता है जिसमें केवल अंधकार रहता है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो हो सकता है जिसको कोई ब्लैक होल कहे भगवान ने उसको लोकांतरिक कहा। जी संकेत जी प्रणाम गुरु जी। जैसे कर्म के विभाग में अगर कोई क्रोध करता है तो अगले जन्म में वो कुरूप जन्म लेता है, तो अगर कोई आधा जीवन राग करे और आधा जीवन धम्म में लग जाए तो फिर वो जो पहले के कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, ये मेरा प्रश्न। नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो एक ही उसका ऑप्शन ये है कि ध्यान द्वारा वो कर्म विपाकों को समाप्त करना होगा। हमने जो भी कुछ बुरे कर्म किए हैं ध्यान के द्वारा उसको समाप्त करना होगा, तो ही वो कर्म का विपाक, कर्म के फल नष्ट हो सकते हैं। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, जैसे यदि हम क्रोध करते हैं, क्रोध का एक संस्कार बन गया, उस संस्कारों को ध्यान के द्वारा निकालना होगा, तब वो समाप्त होगा, नहीं निकालेंगे तो वो अपना फल देगा। तो ध्यान करके पुराने कर्म संस्कारों को दूर करना होता है। गुरु जी वो किससे होगा, आनापानासति या विपश्यना? दोनों करना पड़ेगा, आनापान और विपश्यना से। अच्छा, मतलब नॉर्मली भी करे अगर आनापान से तो भी वो चले जाता है ना? ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। मेरा भी एक प्रश्न है कि जो भी हमारा कर्म फल आता है और जिसके साथ भी वो कर्म बंधन हमारा जुड़ा हुआ है, वही पर्सन रहता है या फिर वो वैसे ही कर्म फल आता है? ऐसा है कि इस संबंध में भगवान ने बताया कि जैसी धातु होती है, जैसी तरंग होती है, व्यक्ति वहां वहां जाके जुड़ जाता है। हमारी जैसी तरंग होती है वैसे हमको वैसा परिवार, वैसा घर, वैसे रिश्तेदार, सारे लोग वैसे मिल जाते हैं, तो वो हमारे कर्म संस्कारों के कारण ही रहता है। एक बार भगवान ने बताया कि चंकम सुत्त में आता है कि 5 भिक्षु सारिपुत्र के साथ विहार कर रहे थे, 5 भिक्षु महामोगल्यान के साथ, 5 भिक्षु अनिरुद्ध के साथ, 5 भिक्षु आनंद के साथ, 5 भिक्षु देवदत्त के साथ, 5 भिक्षु महाकाश्यप के साथ विहार कर रहे थे। भगवान का भिक्षु देख रहे हो कि ऐसा क्यों करते हैं? जो प्रज्ञावान होगा वो सारिपुत्र के साथ जाएगा, जो रिद्धि सिद्धि में रहेगा वो महामोगल्यान के साथ रहेगा, जो दिव्य चक्षुधारी रहता है वो अनिरुद्ध के साथ जाएगा, जो बहुश्रुत रहता है वो आनंद के साथ जाएगा, जो महाकाश्यप के साथ जो धुतांगधारी रहते वो रहेगा, जो मूर्ख रहेगा वो देवदत्त के साथ जाता है। तो ये संसार धातुओं से बना है,
यानी तरंगों से बना है, हमको जैसे लोग मिलते वो हमारे तरंगों के कारण मिलते, धातुओं के कारण मिलते हैं। तो हमारे कर्म संस्कार जैसे रहते वैसा परिवार देश काल वो सारे चीजें हमारे अनुसार ही मिलते हैं। तो ये संसार धातुओं से बना है ऐसा भगवान ने बताया। जी जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज के इस सत्र में जो हमारी 6 जातक कथाएं हुई है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और ये जो सत्र है, राहुल जी कोई फेसबुक पे प्रश्न नहीं है ना? नहीं प्रीति जी, कोई प्रश्न नहीं है, यूट्यूब पे कोई प्रश्न नहीं है। जी भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। महाकारुणिको नाथो हिताय सब पाणिनं पूरयत्वापारमी सब पत्तो संबोधिमुत्तमं एतेन सच्च वज्जेन सोथिते होतु सर्वदा। जयन्तो बोधिया मूले सक्यानं नन्दिवड्डनो एवमेव जयो होतु। जयस्सु जयमंगलं अपराजित पल्लंके सीसे पूथु विपुक्कले अभिषेके सब बुद्धानं अग्गपतो पमोदति। सुनखतं सुमंगलं सुप्रभातं सुहुट्ठितं सुखणो सुमुहूर्तो च सुयिट्ठं ब्रह्मचारिषु। पदक्षिणं कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणं पदक्षिणं मनोकम्मं पणिधीते पदक्षिणानि। पदक्षिणानि कृत्वा न लभन्ते ते पदक्षिणे ते अत्तलद्दा सुखिता विरुला बुद्धशासने। हरोगा सुखिता होत सह सभ्ये हि ज्ञातिभिः। चिरंग तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप जो भी सत्र में यहाँ पे साधक साधिका जुड़े हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे करती हूँ उनका, कि वो बहुत ही शांत चित्त से ये जो धर्म चर्चा यहाँ पे हो रही है, जो भी प्रश्न हो रहे हैं, जो उत्तर आ रहे हैं, बहुत ही शांत चित्त से वो ग्रहण कर रहे हैं। और जरूर ये सबका लाभ हमें होने वाला है। जैसे गुरु जी अभी जैसे बोलते हैं सत्यनारायण गोयनका गुरु जी की, हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम सब जन सुबह भी धम्म सुन रहे हैं, शाम को भी हम धम्म सुन रहे हैं। तो ये सही में बहुत ही सुंदर बात हो रही है हम सबके लिए। और वैसे ही अभी द्वितीय सेशन चालू हो चुका है, तो सही में हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। कल सुबह यही सत्र 8 से 9 बजे तक रहेगा। हमारे साथ दिनेश मिश्राम जी गुरु जी है, वो ही हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। सुत्त पठन वहाँ पे चालू है, सुत्त के ऊपर प्रश्न उत्तर हो रहे हैं और सुत्त बहुत ही अच्छी तरह से गुरु जी एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें। तो आप सब सुबह के सत्र में जुड़ी है, सब उसका भी आप लाभ लीजिए। और आज का सत्र मंगल मैत्री के साथ आप सबको बहुत साधुवाद देते हुए यही सत्र आज मैं समाप्त करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।